तो इतनी जो बातचीत हम लोगों ने करी, जिसमें यह समझ में आ गया कि लैंड ग्रांट एक सीरियस इशू था और काफी प्रचलित तौर पर लैंड ग्रांट किए जा रहे थे, बड़ी मात्रा में रूलर्स लैंड ग्रांट करते थे। अब वही क्वेश्चन कि आखिर ये लैंड ग्रांट किया क्यों जा रहा है, जमीन का दान किया क्यों जा रहा है, तो इस सवाल के जवाब को लेकर हिस्टोरियंस एकमत नहीं है, इतिहासकारों का इसको लेकर कोई एक पर्टिकुलर मत नहीं निकल कर नहीं आता, डिफरेंशिएटेड ओपिनियंस है, तो एक एक करके अपन उन सारी ओपिनियंस को देखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जमीन का ग्रांट करना एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी रूलर्स की, जिसकी मदद से वो कल्टीवेशन को या एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करवाते थे नए एरियाज में। इनका कहना यह है कि कई बार लोगों को जमीन जो ग्रांट की जाती थी, जो जमीन अग्रहारा के तौर पर दे दी या फिर किसी और तरीके से भी अगर जमीन का ग्रांट किया गया है, तो वो जमीन जंगल की होती थी, पर जंगल नहीं भी तो भी अनकल्टीवेटेड लैंड हुआ करती थी। अब जो जमीन आपको मिली है, या तो उसके ऊपर जंगल है या फिर अनकल्टीवेटेड लैंड है, तो आपको ना आपकी होकर भी किसी काम की नहीं है। इस जमीन से अगर आपको फायदा उठाना है, तो एक ही तरीका है उस जमाने में कि आपको इसके ऊपर करना पड़ेगी खेती। अब खेती करना पड़ेगी तो उसके लिए अगर जंगल है, तो जंगल काट के जमीन को जो है खेती योग्य बनाया जाए, और अगर अनकल्टीवेटेड लैंड है, जंगल नहीं भी है, तो फिर इसके ऊपर कल्टीवेशन किया जाए। अब कल्टीवेशन के रास्ते में जो भी दिक्कतें हैं, पानी नहीं है तो नहर बनवाओ या कुएं खुदवाओ या कोई और व्यवस्था करवाओ, तालाब वाला बनवाओ कुछ करके, मगर इस जमीन के ऊपर कल्टीवेशन करवाया जाए। तो अगर कल्टीवेशन होगा, कल्टीवेशन का मतलब है कि अनाज उत्पादन होगा, तो फिर उसके ऊपर राजा टैक्स लगाएगा। राजा टैक्स लगाएगा तो राजस्व का जो है निर्माण होगा, और अगर कल्टीवेशन होगा तो अकेले तो हल चलाओगे नहीं, फिर कई लोगों को आपको नौकरी पर रखना पड़ेगा, तो इससे जो है कई लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, जिसकी मदद से एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन को नए एरियाज में एक्सपैंड करवाने की कोशिश थी, जिससे खुद की भी इनकम बढ़े, राज्य की भी इनकम बढ़े, एंड लोगों को भी जो है फिर काम करने के लिए नए एवेन्यूज मिले, कई जो दूसरे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हो। कुछ का ऐसा मानना है कि ये अगर ये तो था ही था, मगर इसके अलावा एक और इंडिकेशन जो है अपने को यहाँ से मिलता है, जमीन का ग्रांट प्रोमिनेंटली रूलर तब कर रहा होता था जब उसकी पॉलिटिकल पावर कमजोर हो रही होती थी, या फिर यूं बोलें कि जमीन का दान जो है प्रोमिनेंटली तब किया जाता था रूलर्स के द्वारा जब उनकी पॉलिटिकल पावर कम होती है, या फिर राजा का जो कंट्रोल है अपनी रियासत के ऊपर, अपने पूरे किंगडम के ऊपर, वो जो है धीरे धीरे घट रहा है, या फिर उसका जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके बीच में जो है कहीं ना कहीं सुबुकाहट हो रही है कि राजा जो है उसमें अब दम नहीं रहा, वो कमजोर हो गया है, इसको हटाया जा सकता है, इस तरीके की स्थितियां जब जो है क्रिएट हो रही होती थी, तो उनको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं राजा जो है वो जमीन ग्रांट किया करते थे। क्योंकि अगर एक राजा के दिमाग में ये बात आ गई या राजा के कान में ये बात पड़ गई कि भाई उसके जो सामंत है, क्योंकि रूलर एक पूरा का पूरा राजा जो है वो किंगडम पूरी की पूरी खुद तो बैठ के अकेला रूल करेगा नहीं, अगर बड़ा किंगडम है जैसे गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे, तो वो अपने बड़े से किंगडम को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया करते थे। जैसे अगर ये किंगडम मान लिया जाए, इसके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट्स हो गए, तो 6 हिस्से या 6 इसके आपके अपने स्टेट्स बना दिए या रीजन बना दिए, और सबका एक एक आपने सामंत जो है वो डिसाइड कर दिया, और ये बोला कि भाई अपने अपने इलाके में रूल करो, मुझे इतना इतना टैक्स और ट्रिब्यूट भेजते रहो, मेरे को राजा मानो और अपना रूल करते रहो, बाकी जब वॉर वगैरह होगा तो मेरी मदद करने आ जाना। इस तरीके से आप अपना पूरा किंगडम सामंतों की मदद से चला रहे हो। आप किसी वजह से अगर राजा का कंट्रोल जो है वो कमजोर होने लगा, या फिर कोई एक सामंत जो है वो मजबूत होने लगा, और अब ऐसा लगने लगा कि ये सामंत जो है राजा का जो है तख्ता पलट कर देगा, तो ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन में राजा जो है बाकी सामंत उसके साथ में ना मिल जाए, बाकी उसके साथ मिलकर राजा के खिलाफ ना खड़े हो जाए, या फिर बाकी सारे सामंत राजा के साथ आके स्ट्रांगली खड़े हों और इस सामंत को दबाने में मदद करें अगर ये रिवोल्ट विवोल्ट करता है, ऐसी कंडीशन में बाकियों का सपोर्ट हासिल करने के लिए उसने जो है जमीनों के ग्रांट करना शुरू कर दिए, ताकि एलाइज उसके साथ में आके खड़े हो जाए, या अगर ये सामंत नहीं तो और जो दूसरे आपके पावरफुल जमींदार वगैरह हैं जो उसकी मदद कर सके, या इसी के इलाके में कुछ लोग जो इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सके ताकि ये क्या गतिविधियां वगैरह कर रहा है, इसके लिए आपके जो है लैंड ग्रांट्स किए जाते थे। तो एक प्रोमिनेंट रीजन ये भी हिस्टोरियंस का निकल कर आता है, मानना है उनका कि ये भी एक प्रोमिनेंट रीजन था जिसके चलते लैंड ग्रांट्स काफी बड़ी मात्रा में किए गए, और जब दिख रहा है कहीं पर एक पर्टिकुलर शासन काल में अपने कि भाई 25 साल राजा ने रूल किया, आखिरी के 3 सालों में जहां उसने भर भर कर लैंड ग्रांट किए हैं, तब ये जो स्ट्रेटेजी थी कि कल्टीवेशन एक्सपेंड कराओ, ये प्रोमिनेंट रीजन नहीं था, तब ये जो है आपकी पॉलिटिकल पावर कमजोर हो रही है, एलाइज जीतना है, तब ये वजह जो है प्रोमिनेंस गेन कर लेती थी लैंड ग्रांट वगैरह के केस में। तो एक तो ये हो गया। Sometimes it was done by the king to project himself as Superman. If they were losing power, then by doing so they projected a facade of power. कई बार ये इसलिए भी किया जाता था ताकि राजा अपने आप को सर्वशक्तिशाली के तौर पर दिखा सके। किंगडम में राजा ही जो है वो सब कुछ होता है, अगर राजा कमजोर पड़ेगा तो आपका राज्य जो है वो बिखर जाएगा। राजा को पता है कि मेरे कई सारे सामंत मेरे खिलाफ जा रहे हैं, बगावत कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो करता ये था कि उनके इलाकों में कुछ लैंड ग्रांट कर देता, क्योंकि सामंत की बेसिकली वो जमीन नहीं है, जमीन राजा की है या फिर वो राजा के अधिकार में आती है, सामंत
सामंत को सिर्फ रूल करने का अधिकार मिला हुआ है उस इलाके पे राजा के बिहाफ पे। तो राजा ने अब सामंत के इलाके में जो है जमीन वगैरह अगर ग्रांट कर दी किसी पावरफुल आदमी को, तो ये उसका उसके ऊपर अथॉरिटी दिखाने का तरीका है, या फिर ये असर्ट करने का तरीका है कि तुम लोग जो सोच रहे हो कि मुझे हटा दोगे ये पॉसिबल नहीं है, मेरी अभी इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे इलाकों में जमीनें ग्रांट कर सकता हूँ वहां, और जिनको ग्रांट करी है उनको उसका अधिकार भी दिलवा सकता हूँ। अगर तुम रास्ते में आके खड़े हुए तो तुम अभी तो प्लानिंग कर ही रहे हो ना, सुखबुगाट मेरे पास आई है, अभी तुम इतने शक्तिशाली तो हुए नहीं हो कि मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर दो, तो रिवोल्ट करो उसके पहले ही मैंने यहाँ पे इस आदमी को भेज दिया है, अब या तो इसको चुपचाप जो है जमीन लेने दो जो भी मैंने इसको दान करी है। तब तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच में संदेश ये जाएगा कि यार राजा पावरफुल है, ये सामंत जो है शायद इतना पावरफुल नहीं है कि इसका साथ दिया जाए। अगर पावरफुल होता तो राजा को ये जमीन का ग्रांट करने नहीं देता, जमीन का ग्रांट किया था तो फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता, मगर यहाँ पर एग्जीक्यूट होने दिया गया मतलब सामंत अभी इतना पावरफुल नहीं है, राजा पावरफुल इसके खिलाफ मत जाओ। इससे एक चीज तो ये होगी कि जो आदमी इसके खिलाफ आपका सपोर्ट जुटा रहा था वो जो है कहीं ना कहीं उसमें फूट पड़ेगी, और दूसरा राजा कहीं ना कहीं अपनी पावर जो है प्रोजेक्ट कर सकेगा, अपना फैकेड ऑफ पावर दिखा सकेगा, ये बता सकेगा कि भाई जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो कि मेरी पावर डिसलाइन पर है वो सच नहीं है, अभी मेरे पास पावर है और अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो मैं उसको मिटा दूंगा, मैं जो अभी भी अपनी अथॉरिटी रखता हूं, मैं पावरफुल हूं। तो ये भी एक पर्टिकुलर रीजन था कि अपनी इस तरीके से कि कोई रिवोल्ट खड़ा हो उसके पहले पहले सामंतों को दबाने के लिए, उनके बीच में आपस में फूट डलवाने के लिए, उनको तुड़वाने के लिए, या फिर एक एक्सक्यूज ढूंढने के लिए ताकि उनको क्रश किया जा सके, ये किया जाता था। क्योंकि अगर सामंत के इलाके में जो रिवोल्ट करने की प्लानिंग में है, आपने जमीन ग्रांट कर दी और अब अगर वो अभी पूरी तरह से तैयार तो है नहीं, तैयार होता तो रिवोल्ट कर चुका होता, मगर वो तैयार है नहीं, धीरे धीरे प्लानिंग कर रहा है, विद इन द मीन टाइम आपने जमीन ग्रांट कर दी वो आपके उस सामंत के क्षेत्र में राजा ने, अब वहां पर जिसको जमीन ग्रांट की गई है वो अपनी कब्जा लेने के लिए पहुंच गया, अगर अब आप उसके और अगर आपने कब्जा दे दिया तब तो सुखबुगाहट आपके सपोर्टर्स में होगी कि यार ये सामंत का साथ दे या ना दे राजा के खिलाफ, और अगर आपने कब्जा नहीं लेने दिया इन दैट कंडीशन फिर राजा राज आज्ञा का उल्लंघन करने के चलते आपके ऊपर हमला कर देगा, अभी आप पूरी तरह से तैयार हो नहीं तो रोक उसे पाओगे नहीं और वो आपको क्रश कर देगा। इस तरह से रेबेलियंस को दबाने के लिए भी एक एक्सक्यूज मिल जाए आपको किसी सामंत पे एक्शन लेने के लिए, अपना अपने आप को जो है सुपरमैन या सर्वशक्तिशाली अपने किंगडम में बचाने के लिए इस प्रोजेक्शन के लिए भी लैंड ग्रांट किए जाते थे। तो हिस्टोरियंस का कुल मिलाकर मत जो है ये तीन फैक्टर्स थे जिसके चलते लैंड ग्रांट्स होते थे। अब ये जो लैंड ग्रांट है ये पूरी की पूरी चीज इसके इंस्क्रिप्शंस, इसके रिकॉर्ड्स, इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़कर एज ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज हिस्टोरियंस हमें बहुत फायदा होता है। यहां से हमें कल्टीवेटर्स के और स्टेट्स के बीच में किस तरीके के रिलेशनशिप थे वो पता चलते हैं। स्टेट का मतलब क्या, शासन प्रशासन, और कल्टीवेटर यानी कि आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, क्योंकि ये बात भारत पे आज भी लागू होती है, ये बात आज से 2500 साल पहले भी लागू होती थी, 2000 साल पहले भी लागू होती थी, 1500 साल पहले भी लागू होती थी, 1000 साल पहले भी लागू होती थी, और 500 साल पहले भी लागू होती थी, और वो ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो कल्टीवेटर्स की है, जो खेती किसानी में लगे हुए लोग हैं वो यहाँ पे मेजोरिटी में। तो लैंड ग्रांट्स वगैरह को पढ़कर अपने को कल्टीवेटर्स, दूसरे शब्दों में भारत की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और शासन प्रशासन जिसके अंडर वो रहती है, उनके बीच में इन 1000, 2000, 2500, 3000 सालों में किस तरह से रिलेशनशिप बदले हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, चेंज हुए हैं, उसके बारे में अपने को पता लगता है। मगर यहां पर भी थोड़ी सी कमी है, कमी यह है कि कई सारे ऐसे लोग भी, अब ये जो सारे के सारे कल्टीवेटर्स हैं खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, तो स्टेट के कंट्रोल में है, ऑफिशियल्स के साथ में लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हुआ करते थे इन शासन इस पर्टिकुलर अंपायर के तहत में या किंगडम में, जिन जो किसी भी तरीके से ऑफिशियल्स या सामंत के कंट्रोल में आए नहीं, या फिर वो उनके रीच के हमेशा बाहर रहे, जैसे पैस्टोरलिस्ट हो गए, गडरिये वगैरह वगैरह हो गए, जो अपना भेड़े बकरियां चराते रहते हैं, वो किसी एक जगह रुकते ही नहीं थे, आज यहाँ पर है कल कहीं और है परसों कहीं और है, तो उनके ऊपर इस तरीके से अथॉरिटी असर्ट नहीं की जा सकती थी ऑफिशियल्स के द्वारा जिस तरह से कल्टीवेटर्स के ऊपर या किसानों के ऊपर की जाती थी। तो ये पैस्टोरलिस्ट हो गए, या फिशर फोल्क हो गए, आज मछुआरे यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, कल अपनी बोट लेके किसी और जगह निकल गए, परसों किसी और जगह निकल गए, तो ये कंट्रोल में नहीं आते थे, इनके ऊपर उस तरह से अथॉरिटी असर्ट नहीं होती थी। इसके अलावा हंटर गैदरर्स या वही जो आपके आदिवासी लोग हैं जंगलों में रहते हैं, एक से दूसरी जगह जंगलों में विचरण करते रहते हैं, तो इनके ऊपर भी ऑफिशियल्स या राजा या स्टेट अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं कर पाते थे। एंड प्लस इस तरीके के लोगों ने, क्योंकि जनरली इसमें प्रोमिनेंटली कोई पढ़ा लिखा तो होता नहीं था, इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स जो है कोई रिटन रिकॉर्ड्स पीछे नहीं छोड़े हैं, कोई इनके बारे में जो है अपने पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजें भी देखने को नहीं मिलती, तो इनकी लाइफ के बारे में और जिंदगी में इनके क्या ट्रांजेक्शन्स थे, स्टेट्स के साथ में रिलेशनशिप किस तरीके का था, समाज के बाकी हिस्सों के साथ में रिलेशनशिप किस तरीके का था, उसके बारे में अपने को कोई बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं मिलता। तो इनस्पाइट ऑफ द फैक्ट की जहां तक की कहानियां हो गई, जहां से अपने अपने लेक्चर की शुरुआत करी थी, या रूलर्स ने जो लैंड ग्रांट किया है उसमें भी प्रभावती गुप्ता जैसे रूलर्स जिनके इंस्क्रिप्शंस खूब सारे मिलते हैं, इनको पढ़कर भी रूरल सोसाइटी के बारे में, समाज के साथ में उनके क्या रिलेशनशिप्स थे उसके बारे में अपने को अंदाजा तो लगता है, पता काफी कुछ चलता है, मगर सब कुछ पता नहीं चलता समाज के हर तबके के बारे में, और इस तरीके के जो सेगमेंट्स थे जो कभी आपकी ऑफिशियल्स या सामंतों की रीच में नहीं आ पाए उनके बारे में
अपने को खास इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल नहीं होती है। तो ये अभी भी जो है कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अपने को यहाँ से मिलती है, यहाँ से निकल कर आती है। चले आगे बढ़ते हैं।